बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है? आज जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड की जानिब से दिया गया है और इस साल ये पेपर होते हैं एज आप लोग कह लें कि सैंपल पेपर होते हैं, लेकिन इनमें से पेपर आता है हर साल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई आपको ये पेपर कहाँ से मिल गए, बोर्ड के पेपर कौन सा लीक होते हैं ऐसे। तो वैसे तो भाई ये पेपर होते हैं जो कि बोर्ड की जानिब से दिए गए होते हैं। मैं भी आप लोगों को पता भी हूँ, आपने देखे भी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा पेपर शेयर कर रहा हूँ। एम सी क्यूज बकायदा शेयर करूंगा, साथ आप लोगों को मजमून शेयर करूंगा, पैराग्राफ कौन से अहम है इनमें से। इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा काफ़ी सारा। हो सकता है कुछ बोर्ड्स में काफ़ी परसेंटेज आ जाए, हो सकता है कुछ बोर्ड में सिर्फ ऐसे आ जाए, हो सकता है कुछ बोर्ड में इसका जो पैराग्राफ दिया वो आ जाए, लेकिन आपने इनको याद लाजमी करना है। सो टोटल आपको पता है 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का ये एम सी क्यूज वाला पेपर है, 30 मिनट टाइम मिलेगा आपको। सम अनडिफीटेड रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स। लिस्टर वाज मेडिकल पीर ऑफ पास्टर, पीर कहते हैं फॉलो को, फेलो को, सॉरी फेलो, जो एक जैसे हों दोनों। ठीक है, जैसे 12वीं क्लास के आप हैं, 12वीं क्लास का और बच्चा है वो आपका पीर है। ठीक है, फेलो होते हैं दोनों। लेटर दी हॉलीडेज वर्क आर रिड्यूस टू फोर्टनाइट, कहते हैं 2 हफ्तों को, 14 दिनों को। इन द पास्ट सिटी स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ गार्बेज, का मतलब होता है रबिश से। हाँ, ही थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज इन इट्स वर्स्ट विरुलेंट फॉर्म। विरुलेंट का मतलब होता है फैटल फॉर्म, फैटल का मतलब है लास्ट है भाई, उसके बाद ख़त्म है बंदा। ठीक है, मतलब काफ़ी कह लें कि खतरनाक किस्म में मुबतला है ये। इसी तरह नेक्स्ट है, चाइना हैज अवॉइडेड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज, एक्सपेंशन का मतलब होता है स्प्रेड करना। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक अ जियंटिक स्नोबॉल, जियंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ी, बिग। दी मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, ग्रेव का मतलब जो है वो यहाँ पे मुझे जो है वो कन्फर्म करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इसे देख लीजिएगा। स्कोर्स ऑफ बुक्स वार लाइंग देयर, इसी तरह इसका भी आपने देख लेना। स्टार सेल्डम फाइंड, सेल्डम का मतलब होता है सम टाइम, आई थिंक इसका ये है। बाकी ये दो आपने, ये तीन लास्ट वाले आपने कन्फर्म कर लेने हैं, बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसी तरीके से ये है आपके जो प्रेपोजिशन वाले हैं पोर्शन, वो ठीक है 5 नंबर का आएगा ये पेपर में। He was alarmed dash the news from by at with. He is suffering dash malaria. He is suffering from malaria, by malaria, with malaria, in malaria. His partial dash his friend. The thief was charged dash theft. For theft, I guess. Can't you give dash smoking? Can you give up? उसके बाद she bought 2 dozen bananas. ठीक है, इसका आपने सही बताना है क्या फिक्र होगा। He is senior than me. Either he or his brother was suffering from fever. इसका आंसर बताना है। He is MA in English. वो इंग्लिश में उसने MA किया हुआ है। इसका आपने बताना है। The night is too cold. रात बहुत ठंडी है आज की। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका पोर्शन। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव लिखने वाला पोर्शन, मजमून कौन से हैं, सवाल कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब करना है यहाँ से, और इस नोटिफिकेशन बेल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपने भाई जाना है वीडियोज़ में, तो जैसे ही आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बाकी सारे ये देखें एम सी क्यूज पेपर अपलोड हो गया है, बाकायदा मैंने बता दिया बुक से आपने क्या करना है। सो आप लोग ये देखिए, जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे यहाँ पे नीचे में लाइक का बटन होगा, काइंडली वीडियो लाइक कर देना, ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए और वो लोग भी अच्छे मार्क्स ले सकें इन चीज़ों को फॉलो करके, इन चीज़ों को देख के। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट इज व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ द विच अर्थ इज आर पार्ट्स ऑफ फ्राइटन गिव अ गुड नंबर्स ऑफ रीजंस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला डब्बा है जी मॉडर्न एंड प्रोज में से, बुक 2 में से आपका टोटल आपके 900 आ जाएंगे, आपने कोई से 6 करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आवर आउटलुक और एटीट्यूड एंड दैट ऑफ आवर फोर फादर, पहला। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब इन व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वर डेविड डैचिस फीलिंग ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, डू यू हैव द सेम फीलिंग्स ऑन थर्सडे। ये देखें पेपर के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है, पेपर फॉर 2024 ये बोर्ड की वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, आपको मे भी मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये सैम्पल पेपर होते हैं, आपसे पेपर आप पूछे भी जाते हैं, क्योंकि 9th और 10th के हमने इतने सारे पेपर करवाए हैं, उन पेपर्स में से भी काफ़ी सारा पेपर आता रहा है। Why put JC Square not burn his unwanted books? मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जस्ट यही याद कर रहे हो, आप लोग बाकी तैयारी भी करें, लेकिन इसको याद करना है सबसे पहले। Explain in title of the essay the man who was hospital. How does China rely on her own resources?
How can we improve the living standards of the poor countries? Write any three impacts of population explosion on environment. ये mostly question ऐसे हैं जो कि अपनी wording में लिखने वाले हैं. कुछ सवाल chapters के अंदर से भी हैं, कुछ सवाल chapter के बाहर से भी हैं. उसके बाद है why did Churchill not like the examination? दूसरा डब्बा आ गया जी शोर सवाल का. टोटल 8 पूछेगा, अपने 6 करने इसमें से. हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट ऑन द वेपन्स कैरियर? वट शॉर्ट ऑफ वाटर डिड क्रिस्टोफर एंड पार्टी गेट फ्रॉम द कैमन स्टमक एंड विद वट रिजल्ट? वाई कुड नॉट पेंसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिका? डू यू थिंक दैट पेंसिलिन इज बेटर देन कैमकेन एंटीसेप्टिक? वाई? वट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी? वाई वॉज पास्टर कार्ल अ पैट्रियट मोर देन अ साइंटिस्ट? डिस्क्राइब एनी थ्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाई मुस्तफा कमाल. इसी तरह नेक्स्ट है चौथा जी, मिस्टर चिप्स आ गया है मोस्ट अवेटेड. ठीक है, तो ये चौथा है जी, पहला डब्बा है चौथे का और टोटल 12 सवाल हैं, आपने इसमें से 8 करने हैं. विच स्कूल डिड चिप्स ज्वाइन फर्स्ट एंड हाउ लॉन्ग डिड ही सर्व देयर? वाई डिड मिस्टर मेरिवर से डैट चिप्स वुड लाई डाई ए आर नेचुरल डेथ? वट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम? वट डिड चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वुमेन चेंज आफ्टर मीटिंग विद कैथरीन? वट वॉज कैथरीन्स ओपिनियन अबाउट चिप्स प्रोफेशन? हाउ डिड कैथरीन हैव चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन? वाई डिड मिस्टर चिप्स वॉन्ट टू राइट अ बुक? वाई वॉज रॉल्सन अनपॉपुलर इन योर ओपिनियन? वाई डिड रॉल्सन वॉन्ट चिप्स टू रिटायर? वॉज ही अनफेयर इन हिज डिमांड? हु वॉज जॉन रिवर्स एंड वाई डिड ही फेवर चिप्स? एस्टिमेट चिप्स लव फॉर द ब्रुकफील्ड स्कूल? राइट अ नोट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर चिप्स. तो ये हो गया आपका अब सवाल शेयर सॉरी एस ए 15 नंबर का. माई फेवरेट हीरो, ब्लेसिंग ऑफ साइंस, को एजुकेशन या मोबाइल फोन? इसी तरह आगे आपके चार अभी ऐसे हैं. ठीक है, मोबाइल फोन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, को एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग ऑफ साइंस और माई फेवरेट हीरो. मेरा चांस है कि इन्हीं में से आपका पेपर पूछ लिया जाएगा. सो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, और भी कर भी क्या सकते हैं आप, वो भी सेकंड ईयर के बच्चे आप लोग तो उल्टा हम पे चढ़ाई कर देते हैं. ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनको याद कीजिएगा, अच्छे से कोशिश करें, बाकी चीज़ें भी रिवाइज कर जाएँ, लेकिन इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है. सो फाइव सेंटेंसीज हैं जी, आगे अपने ईडियम्स आ गए हैं जी, मोस्ट वेटेड. बहुत बच्चे कहते हैं कि भाई ईडियम्स का हमें करवा दें, ईडियम्स में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है. तो भाई ईडियम्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं. पहला है जी, बिल्ड कैस्टल इन द एयर, गुड फॉर नथिंग, कीप एन आई ऑन एन ओपन बुक. ये दो तो बहुत मशहूर हैं, कीप एन आई बुक एंड ओपन बुक. फेमस फॉर लाफ एट, इन शॉर्ट, और आप बिजी बी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है, इनको याद करें अच्छे से. पैराग्राफ आ गया अभी, आज के दौर में जंगलात की बहुत अहमियत बहुत ज़्यादा है. ये अब हवा को खुशगवार बनाते हैं, ये मौसम की शिद्दत को कम करते हैं, ये आंधियों सैलाबों सेम तौर को रोकते हैं, बारिश का सबब बनते हैं, बर्फ़ को जल्द पिघलने से रोकते हैं. देखिए एक एक लाइन बना के दी हुई है आपने, टेंसेज अगर आपको आते हैं इनकी तर्जमा आपने लिखते जाना है, इंग्लिश लिखते जाने हैं, नंबर आपको 15 नंबर मिल जाएंगे. जंगलात मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे से याद करके दें ताकि आपको अच्छे मार्क्स ले सकें. सो अगर आप इंग्लिश मीडियम में मज़मून लिखना चाह रहे थे रेनी डे के हवाले से, जब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें इसको ना ही अटैम्प्ट करें, ये वाला अटैम्प्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर रहता है. सो अल्लाह पाक आप सभी को ढेरों कामयाबी अल्लाह करें, आप तमाम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएँ. बहुत कह लें कि ये टफ सा सब्जेक्ट है, लेकिन इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा. बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं, ढेर दुआएँ आपके लिए हैं, इनको याद कर जाइएगा. बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो एमसीक्यूज़ का और ईडियम्स का और पैराग्राफ ये वाला लास्ट वाला है इसका प्रॉपर गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद. वीडियो को जाते जाते भाई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना.